क्योंकि हम मैनेजमेंट से बात करते हैं, तो हमारे साथ आज जुड़ रहा है सांगवी मूवर्स का मैनेजमेंट कंपनी। पावर, एनर्जी, स्टील और रेलवे समेत कई इंडस्ट्रीज को हाइड्रोलिक और क्रॉलर क्रेन मुहैया कराती है। कारोबार विस्तार के साथ साथ कंपनी ने पाइपिंग वर्क और फैब्रिकेशन जैसे सेगमेंट्स में भी एंट्री ली है। कंपनी को हाल ही में 180 करोड़ का ऑर्डर भी मिला है और इस नए ऑर्डर के साथ साथ कंपनी के मैनेजमेंट से ग्रोथ आउटलुक और क्षमता विस्तार जैसे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए कंपनी के सफर पर एक नजर डाल लेते हैं। भारत में पावर, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रा की तेज रफ्तार कैपेक्स में लगातार इजाफे से न सिर्फ इन सेक्टर्स बल्कि इससे जुड़े कई क्षेत्रों में संभावनाओं का नया द्वार खुला है। पावर, रिन्यूएबल, स्टील, रेलवे, सीमेंट जैसी इंडस्ट्री में लग रहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट से सांगवी मूवर्स जैसी कंपनियों को अपना कारोबार बढ़ाने के नए मौके मिले हैं। 1989 में बनी सांगवी मूवर्स क्रेन रेंटल के कारोबार में अपनी अलग पहचान बना पाई है। इंटरनेशनल क्रेन्स की ओर से जून 2024 में जारी रैंकिंग के मुताबिक सांगवी मूवर्स भारत और एशिया की सबसे बड़ी क्रेन रेंटल कंपनी है। वहीं ग्लोबल स्तर पर इसकी चौथी रैंकिंग है। कंपनी बिजली, विंड एनर्जी, स्टील, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोकेमिकल्स और सीमेंट समेत कई दूसरी इंडस्ट्री को हाइड्रोलिक और क्रॉलर क्रेन मुहैया कराती है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए इनवॉइस प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म ट्रंकी कस्टमाइज सॉल्यूशंस देती है। इसमें प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस शामिल है। कंपनी ने कारोबार में पाइपिंग वर्क, फैब्रिकेशन, पेंटिंग को भी शामिल किया है। सांगवी मूवर्स को रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रोकार्बन सेक्टर से 180 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। कंपनी की ऑर्डर बुक की स्थिति, नई बिडिंग और ग्रोथ आउटलुक समेत कई मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गया है सांगवी मूवर्स का मैनेजमेंट। ऋषि सी सांगवी, एमडी सांगवी मूवर्स के जुड़ गए हैं और ऋषि आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉर्पोरेट कनेक्शन में। चलिए सबसे पहले तो नए ऑर्डर्स की जो खबर है उसी पर हम बात करना चाहते हैं। ये जो ऑर्डर्स आपको मिले हैं इनका स्कोप क्या है और रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इन तमाम ऑर्डर्स में से हम कब तक होता हुआ देखेंगे, कुछ जानकारी दें। धन्यवाद कविता जी। तो हमें दो ऑर्डर मिले हैं करीब 180 करोड़ की। पहला ऑर्डर जो है वो रिन्यूएबल्स इंडस्ट्री पवन चक्र के लिए है। उसमें हमारे लिए पूरा मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और साइट मैनेजमेंट की सारे एक्टिविटीज है। हम इसमें प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग और टर्नकी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं और इसका करीब 95% ऑर्डर की वैल्यू इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन में आ जाए। इसके अलावा हमने एक दूसरा सेक्टर में या नया बिजनेस ऑफरिंग में हमने एक अबाव ग्राउंड पाइपिंग की काम लिए है वडोदरा रिफाइनरी में एक काफ़ी बड़ी ईपीसी कंपनी के लिए और ये हमारे लिए एक नया सेगमेंट है और ये काम 6 महीने के अंदर कंप्लीट होएगा और इसका कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में इसी साल में आ जाएगा। ऋषि, जो करंट ऑर्डर बुक है आपकी वो अब FY25 में और आगे कितनी बढ़ सकती है? मेजर ऑर्डर्स की अगर मैं बातचीत करूं तो वो कहां से आते हुए दिखाई दे रहे हैं और किस नेचर के आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? जी मैडम, हमारा ये साल में ऑलरेडी 600 करोड़ की ऑर्डर बुकिंग बन चुकी है जो ये फाइनेंशियल ईयर FY25 में ही कंज्यूम हो जाएगा और हमारा टॉप लाइन रेवेन्यू को कंट्रीब्यूशन देगी। इसके अलावा हमें हर इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के हर सेक्टर से हमें इंक्वायरीज है। रिन्यूएबल इंडस्ट्री से ही हमारे पास करीब 10 गीगावाट की इंक्वायरी पाइपलाइन है। इसके अलावा स्टील, सीमेंट, हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज, मेट्रोज, रेलवेज, ब्रिजेस, इन सब सेक्टर से काफी बड़ी इंक्वायरी पाइपलाइन है। ऋषि, ईपीसी की बिडिंग पाइपलाइन किस तरह से उभरती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर कन्वर्जन रेट्स की अगर मैं उम्मीद पूछूं FY25 में तो वो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो हमारा ये इस साल करीब 350 से लेकर 400 करोड़ के आसपास ईपीसी टर्नओवर
बनेगी और उसमें हमारे जो मार्जिन बचती है काम करने के बाद वो 10 से लेकर 12% के आसपास रहेगी। ऋषि, इसके साथ साथ FY25 में आपकी रेवेन्यू ग्रोथ और उसके साथ साथ किस तरह के टारगेट्स है FY25 और 26 के लिए भी, क्योंकि करंट ग्रोथ रेट जो है 35% के आसपास की, क्या इसको इसका मोमेंटम जो है आप बरकरार रखता हुआ महसूस कर पा रहे हैं, और अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो फिर उस ग्रोथ को ड्राइव करने के पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं, ज़रा बताइएगा। जी मैडम, बिल्कुल, ये जो ग्रोथ रेट हमने किया है ये आगे जाके हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इस साल में करीब 30% टॉप लाइन की ग्रोथ होने वाली है और अगर ईपीसी के और भी ऑर्डर्स आते हैं तो करीब 950 से लेकर 1000 करोड़ तक रेवेन्यू बन सकती है। मेजर कंट्रीब्यूशन हमारे रेवेन्यू ग्रोथ इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी सारी फोकस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इकोनॉमी के हर सेक्टर आज के तारीख में फायर हो रहा है, जैसे कि सीमेंट, हाइड्रोकार्बन, पावर, स्टील, मेट्रोज, रेलवेज और ब्रिजेस। हर प्राइवेट कंपनी इस इंडस्ट्रीज में कैपेक्स या कैपेसिटी बढ़ाने में पैसा लगा रहे हैं और ये आने वाले 2 से लेकर 3 साल तक क्रेन की डिमांड बढ़ती जाएगी। ऋषि, आपके जो एबिटा मार्जिन्स हैं उनमें हमें लगातार इम्प्रूवमेंट्स दिखाई दे रही है, लगभग 62% के FY24 में। अब इसको लेकर आपका एम क्या होगा, 1 से 2 साल का नज़रिया? 67% के ऊपर एबिटा मार्जिन्स क्या जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी मैडम, तो हमारे क्रेन बिजनेस में हम कंटिन्यू करेंगे 60% की एबिटा मार्जिन में। ईपीसी में वॉल्यूम बिजनेस है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है पर उसमें एबिटा मार्जिन कम मिलता है, वो 10 से लेकर 12% के आसपास रहेगा। चलिए कैपेक्स की बात करें, FY25 में आप क्या टारगेट कर रहे हैं और ये कहां कहां डिप्लॉय होगा आपकी तरफ से? जी मैडम, हम इस साल 150 करोड़ की कैपेक्स कर रहे हैं और हमारे बोर्ड ने उसकी अप्रूवल दी है, दे चुकी है। बट जो डिमांड आ रहा है क्रेन्स के लिए, शायद से हमें वापस बोर्ड के अप्रूवल लेके ये कैपेक्स के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। तो ऋषि, ऐसे में जो बढ़ती हुई डिमांड दिखाई दे रही है, तो आपके क्रेन फ्लीट की कैपेसिटी अगर मैं परसेंटेज वाइज पूछना चाहूं, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो कितनी बढ़ा पाएंगे? मैडम, लिफ्टिंग कैपेसिटी के हिसाब से हमारी ग्रोथ क्रेन फ्लीट में करीब 25 से लेकर 40 यूनिट के आसपास रहेंगी एंड वो 150 टन से लेके 2200 टन की कैपेसिटी रेंज में हम क्रेन्स लेके आएंगे। राइट ऋषि, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, धन्यवाद, समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए। और इस बीच टाइम्स नेटवर्क के इंद्र महेश